चैलेंज चटनी। चैलेंज क्या है? अगर कुकिंग गैस की फैसिलिटी नहीं है तो अक्सर खाना स्टोव पर पकाया जाता है। स्टोव अगर किसी के घर है तो मुसीबतों का पुलिंदा भी उसके साथ होता है। बर्तन तो काले होने ही हैं, मिट्टी का तेल लाना ही है, पिन मारे बिना काम चलेगा नहीं, और अगर किस्मत खराब है तो स्टोव फट भी सकता है। मुफ्त की एक्सरसाइज जरूर हो जाएगी जब शुरुआत ही पंप करने से हो। ऐसे ही माँ रसोई में खाना बनाती है, स्टोव में हवा भरती है, केरोसिन का स्टोव होता है, उनके पास गैस नहीं है, उनके पास तो कोई और तरीका नहीं है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, कई बार स्टोव फट जाता है और उससे मर भी जाते हैं लोग। अब तकलीफ होती है, दो मिनट की खबर पढ़ते हैं, भूल जाते हैं उसके बाद में। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कभी भी, ना हमारी किसी विज्ञानशाला ने सोचा, ना किसी बहुत बड़े वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई वो जो फट जाती है उसमें वो कोई सेफ्टी वाल्व क्यों नहीं होता है। स्टोव की तो एक समस्या है ही, और भी कई दूसरी समस्याएं ऐसी हैं जिनसे हम हर रोज जूझते हैं। इन्हीं में से कुछ हर रोज आने वाली समस्याएं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद इंजीनियरिंग के छात्रों के समक्ष रखती है और उम्मीद करती है कि कोई रास्ता ऐसा जरूर निकलेगा जो जीवन आसान करेगा। एक रियल लाइफ चैलेंज के साथ हमारी कॉलेज गेस्ट एंकर नमिता वासुदेवन उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ले जा रही है। हाय, मैं हूं नमिता वासुदेवन और एक और बार चैलेंज चटनी हाजिर हो गया है एक एकदम नए चैलेंज के साथ एनआईटी के सूरतकल में। एनआईटी के सूरतकल और इस वक्त हम खड़े हैं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद वारगंडी नोट के वा औल चेष्टे आट काट के वा हम हल्ली रो हम लोग आ पहुंचे हैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। हाय हर बार की तरह हम लोग इन स्टूडेंट्स को एक रियल लाइफ चैलेंज देंगे। हम देखना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स जो आगे जाके बहुत बड़े इंजीनियर्स बनने वाले हैं अपनी टेक्नो क्रिएटिविटी के साथ इन प्रॉब्लम्स का क्या हल ढूंढ निकालते हैं और ये हल या ये सोल्यूशन कितने टेक्निकल हैं, कितने वायबल हैं, क्या ये आम आदमी तक पहुँच सकते हैं। और आज का आपका चैलेंज ये है, कन्वेंशनल स्टोव पे अगर खाना पकाना हो तो इन सब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक तो वो बहुत आवाज़ करता है, बार बार पंप मारते मारते हाथ में चोट लग जाती है और आँखों में जलन होती है, आँखों से पानी आता है। इन सब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और आज का आपका चैलेंज ये है कि आपको इस कन्वेंशनल स्टोव में कुछ ऐसा सुधार लाना है जिससे ये सब मुसीबतें कम हो जाए या फिर गायब ही हो जाए, यानी कि आपको अपना ही नया इनोवेटिव स्टोव बनाना है। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको ये चैलेंज कबूल है? कंबशन होती है और इससे एंड हमने इसको चटनी मिक्स, मतलब तकनीकी समाधान की चटपटी प्लेट अलग अलग कॉलेजों के रसोई। एक्चुअली आई सी ने आइडिया ये है कि हम लोग जो कूलिंग टावर का जो आइडिया लिए हैं ड्रॉथ, जैसे एयर पास होगा तो कोल का कंप्लीट कंबसन होगा। वी कीपिंग अ प्रेशर वाल्व टू कंट्रोल द फ्यूल सप्लाई वेयर द फ्यूल कैन बी लिमिटेड एंड लेटर फॉर दिस एडिशन वी आर जस्ट कीपिंग अ सॉलिड कॉनिकल पार्ट फॉर द बर्नर।
इसमें ये है जो हमारी जो एयर हीट होके आती है वो इससे आती है और इससे पास होके ऐसे जाएगी। ये जो मटेरियल जो बना होगा वो पोरस मटेरियल बना होगा। हमने एक नया फीचर दिया है कि आप इस बर्नर को एक डिटैचेबल बर्नर है ये, और इसे हम हटा सकते हैं। ये जो हमारा गैस स्टोव है ये ब्लैक पेंटेड है अंदर से लाइक अ सोलर कुकर, और ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है। कुछ हवा है जो कि मोटर के थ्रू यहाँ ऊपर से आती है। ये बीच में कुछ वुड के लॉग्स हैं। वी हैव यूज्ड प्यूमा स्टोन हियर फॉर इंसुलेशन प्रॉपर्टीज। वी हैव टू प्रोविजंस, लाइक वन पार्ट इज द सोलर चेंबर एंड अदर पार्ट इज द फायर चेंबर। द स्टोव बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। वन इज द चार चेंबर, वन इज द कंबशन चेंबर, वन इज द बर्नर एंड वन इज द फैन। नॉट यू कैन से एंड देन यस यू कैन ट्राई इट। जजेस अपनी राय दे रहे हैं, कह रहे हैं आप कोशिश करिए। छात्रों में मगर एक चिंता जरूर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका तकनीकी हल खरा नहीं उतरा। एग्जॉस्ट द वेपर कर लेंगे हम, कितना पंप कर रहे हैं, कितना प्रेशर अंदर लग रहा है। द जूरी एट हैज डिसाइडेड बैटन अविनाशियम। द टीम व्हिच हैज बीन सिलेक्टेड एज सेमी फाइनलिस्ट टीम आनंद त्रिपाठी। आई विश द बेस्ट for all the teams participating. This group is selected. Group first member is John Matthew. Oh. Congratulations for making it to semi-finals. We accept this challenge and we will do it. हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और हम इसे कर दिखाएंगे। We have accepted the challenge and we will do it. So this is how we are going to make it. मुझे कितना काम करना है, इतना काम। हाय एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप देख रहे हैं तीनों टीम्स अब बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं फाइनल राउंड के लिए। आइए परिचित हो जाते हैं तीनों टीम्स से। शुरुआत करते हैं फर्स्ट टीम से, टीम वन। हाय दिस इज जॉन मैथ्यू एंड आई एम सिद्धार्थ, ही इज रमेश, वी आर फ्रॉम एनआईटी के सूरतकल। टीम टू। माय नेम इज चारण, ही इज दर्शन एंड ही इज अविनाश, वी आर फ्रॉम श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर। एंड टीम थ्री। नमस्ते, मेरा नाम आनंद त्रिपाठी है, ये सौरभ सिन्हा और ये मनीष पटेल, हम लोग हैं MNNIIT इलाहाबाद से। थैंक यू टीम्स। एक रियल लाइफ चैलेंज दिया गया था इन तीनों टीम्स को और ये लेके आए हैं तीन अलग अलग सॉल्यूशंस। अब देखना ये है कि इनमें से सबसे बेस्ट किसका सॉल्यूशन है, और ये डिसाइड करेगी हमारी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ जजेस। हेलो, आई एम डॉक्टर रामकृष्णा, हेडिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चेयर एट द नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर। Hello, I'm Dr. Nalini. I'm heading the Computer Science and Engineering Department from Nitte Meenakshi Institute of Technology, Bangalore. I'm Dr. C.B. Vijay Vittula, Professor, HMSIT, Tumkur. आइए अब चलते हैं टीम्स की तरफ और देखते हैं कि हर एक टीम ने इस समस्या को कैसे हल किया है। शुरुआत करते हैं टीम वन के साथ। We have this stuff basically for the rural people who can't afford to have LPG cylinders and other liquid fuels. Now for the construction, we have outer chamber in the stuff. We have a combustion chamber. We have a pot stands, that is basically primary pot and secondary pot stand. And then we have a chimney. All these parts can be removed and they are pretty portable too. inside lining we have done with fire clay and sand for providing some insulation, and outside we have provided with limestone and some plaster of Paris. Basically this stuff is used for normal solid fuels, so all those kind of things can be fed into the combustion chamber and can be burnt. Now the holes that we have provided in the combustion chamber and on the outer chamber too, as you can see these holes are actually calculated on the basis of stoichiometric amount of air that will be needed to burn the solid fuel. The fuel that we burn, we have conducted some tests and we found that the air that comes into this combustion chamber, that is just sufficient to burn the materials inside. Okay, second thing that we have used other than the commercial stuffs in this case is that we have provided basically two pots, one is primary, one is secondary pot. Primary pot gets a touch to the flame, the primary touch. Whatever smoke is coming out of the solid fuel, that does not go out from the primary pot, does not hit the operator's face. It actually goes to the secondary pot, and where if you keep the secondary pot here, the smoke would actually be
heating up the secondary pot, and then we'll be emanating out of the chimney. We have taken care of here is that operator does not get any smoke on his face. Also, the efficiency of this stove is quite high because all the smoke heat is being perfectly utilized in the secondary pot. Thank you, team 1. Ab chalte hain team 2 ki taraf. The main concept is that we have used a kerosene stove along with we have addition water tank where water is preserved, and we used a coil which is made up of copper, and this is connected to a regulator, and to that we are just given connection of a three-way valve. At a horizontal portion only fuel will be entering, and other vertical portion the water will be entering. Initially the kerosene is pumped and the fuel is ignited, then after 2 minutes the coil gets heated up, and then the water is pumped. The water when it is pumped, it passes through the copper coil, where it water is converted into hot water or steam. The copper coil takes the heat. Now this heat is converted into another setup that will be heated up with the same amount of fuel. Both system can be heated up in a simulation order, so that complete utilization of the fuel takes place, so that there is no loss. Since in normal conventional cooking kerosene stoves, this will be gone for a waste, and we are utilizing that part too. And the next thing is that now in normal kerosene stoves, we need to pump it quite frequently to increase the pressure. Here you need to apply the pressure only once, and you can regulate this. In this we can preserve that pumping system. That the noise is very less, the smoke, the soot formation is very less, so it is found around 60-70% efficient than the normal conventional stoves. Thank you. थैंक यू टीम 2. दो टेक्निकल सॉल्यूशंस तो हम देख चुके हैं, अब ये देखना है कि टीम 3 ने इस समस्या को कैसे हल किया है. टीम 3, हमने जो स्टोव बनाया है वो एक इनोवेटिव हाइब्रिड स्टफ है. हमने क्या किया कि तीन स्टोव को एक में मिला दिया. हम तीन फ्यूल्स का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, एलपीजी, बायोगैस और सोलर पावर. जो अभी आप सेटअप देख रहे हैं इस समय, यहाँ पे एक इनलेट है, गैस इनलेट है, एक नॉब है और एक बर्नर है, जो कि एक सिंपली एलपीजी स्टोव में देखा जा सकता है, जो हम अपने घर पे यूज कर सकते हैं. जब हम इसे बायोगैस बनाना है तो हमें इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है. ये जो इसका टॉप होता है, तो जो बायोगैस का टॉप होता है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हमें एक इसमें इंसर्ट करना है. और एक यहाँ पे एक छोटा सा नोजल होता है, उसको अगर हम रिमूव कर दें तो बायोगैस क्योंकि लो प्रेशर पे होती है एलपीजी से, तो जो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. सेम इनलेट कैन बी यूज फॉर द बायोगैस ऑल्सो. फॉर नेक्स्ट, फॉर द सोलर पावर, दिस इज अ डिटैचेबल बर्नर, कैन बी डिटैच फ्रॉम इट, एंड दिस इज अ ग्लास एंड मिरर अरेंजमेंट. वॉट वी डू इज we have painted the inside of the pot in black, so that good absorber is a good radiant, so black absorbs more of the heat coming from the sun, which is directed to inside the pot with the help of this mirror. We can incline it to any angle with according to the sun orientation. So what we do is the heat is radiated inside, but it can't go out because of the insulation by the clay, and also because of this glass which we provide for the solar stove. तीनों टेक्निकल सॉल्यूशंस तो हमने देख लिए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जजेस इन तीनों टीम से उनके प्रोटोटाइप्स और उनके मॉडल्स के ऊपर कुछ ना कुछ सवाल जरूर करना चाहेंगे. तो आइए चलते हैं जजेस के पास. सो दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल द 3 टीम्स. डिड यू रियली चेक आउट द एफिशिएंसी ऑफ योर इनोवेटिव आइडियाज? Okay, we conducted actually 3 sample experiments in which we conducted water boiling tests, and we found out for the first experiment our efficiency was something around 24.8, second it was 22.6, and third it was 21.9. But using this thing, what is that, from 226 seconds to attain 90 degree, it takes 226 seconds. But the thing is that 60-70% of the efficiency is converted here. So with the heat which is lost, is dissipated, will come here. So overall efficiency is increased. What is the normal efficiency of the stove? This stove? No, that is any kerosene stove. Okay, somewhere around, you take 1 liter of... I want efficiency in figures. Figures? 10%, 12%, 20%. Somewhere around 25%. Are you engineer? Yes, sir. It's 25, sir. Are you scientist? Yes, sir. Yes, sir. 70% efficient, sir. 70%. If at all, I didn't get your question. No, that means you haven't tested it, huh? Sir, we have
We have tested in the point. If you are tested, you never uttered that 70% is the efficiency, thermal efficiency, sir, of the stove. The experimentation we have conducted for how much amount of fuel, how much time is taken. That is the... How to conduct the efficiency of the stove? Sir, now what are the standard methods? Sir, temperature... No. Please learn that. Yes, efficiency, sir, when how you, much because you should not talk in seconds and etc. Because this is normally that you should work out. Yes, sir. So what are the overall efficiency of yours? So we haven't changed anything in the LPG and biogas stove. So there's no change in efficiency for the LPG and biogas. That's the same as we are getting in. And the last question for all the three teams. What is the novelty that you have built into this? What do you say this is my contribution to these stoves? We have maximum utilization of heat because flames won't be coming out, flames would be inside, and whatever smoke that is being emanated, that heat is also being utilized in the secondary part. You burned this? Yes, sir, we did that. You put your hand and show me the black. If you have burnt any fuel inside, it should be your hand should be black now. Sir, it's a... Yes, sir. It's all there. You can see the ash that is there. No, it's, everything is there. I can show you the solid fuel that is coming out. This the small pellets and all is there. Yeah, sir. The inside lining is of sand and fire clay, so it doesn't get that much black. And it's. So if you, because you have coated with. We have coated with fire clay and sand mixed with silica. I mean, that is because of those lining, because of the radiation losses that you have minimized. Sir, your ash is getting white. Yes, sir. How environment friendly all your innovations, so-called innovations, are? The amount of smoke that will be coming out, that will be approximated to the stoichiometric amount of the emissions which are there. So we haven't really bothered about how much emissions are there, but we have certainly made sure that the operator who is operating, it doesn't get affected by the emissions will be coming out of the solid fuel. The soot formation will be minimal. It will not be completely gone, but it will be minimal. Our project is biogas and solar, which is completely renewable. और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं तीनों ही हमारे सोर्स कोई भी सूट पैदा नहीं पोल्यूशन फ्री हैं और सूट पैदा नहीं करते सो द मोस्ट लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू पुट यू ऑल ऑफ यू व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज नॉट एट सॉल्वड इवन टुडे इन ऑल द स्टोव्स ऑल दी स्टोव्स प्रोड्यूसेस वन काइंड ऑफ द पोल्यूशंस व्हिच वी नीड टू एड्रेस व्हाट इज दैट That creates the 60% of the blinds in the village. Soot particles. Yes, sir. I can definitely say that. We cannot reduce with this stuff the total amount of soot particles, but we can definitely attempt to reduce it by making some modifications in the design. If you reduce the draft or something, then probably you can get a lesser number of soot particles. Because of this system, with the pressurized air, the complete combustion of fuel takes place. That is the main formation of soot. Testing has been done by you. Yes, sir. But not a systematic testing to say that this 80% is reduced or 10% is reduced. Or what is the result of your testing? Maybe the percentage is we are not calculated, but... Engineers, we must know, we must talk in numbers, no? Yes, sir. Sir, our project ki jo tino hi source hai, unme se jo LPG hai, wo hum pehle se jante hai ki proper burning hoti hai, isliye soot kam hota hai. Biogas ke liye, hum ek filter laga sakte hai, inlet ke paas, jisse ki biogas ka bhi jo soot emission hota hai, wo bahut hi low ho jayega. Aur solar power to bilkul hi soot free hai. एक रियल लाइफ चैलेंज और तीन अलग अलग टेक्निकल सॉल्यूशंस, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन किसका था ये फैसला सुनाने से पहले मैं आप सबको मिलाना चाहूंगी एक ऐसे आदमी से जिसने न केवल इस समस्या को झेला है बल्कि उसे खुद ब खुद सुलझाया भी है तो आइए मिलते हैं पलिया गांव उत्तर प्रदेश के ट्रैक्टर्स और ट्रक के मैकेनिक समीरुल हसन लियाकती को कभी स्कूल जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ लेकिन स्टोव एक ऐसा ज़रूर बना दिया है जिसको पंप करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है पंप वाले स्टोव से और हमारे बिना पंप वाले स्टोव में जो है बहुत बड़ा फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि पंप वाले स्टोव में पहले तो पंप मार के कुछ तेल निकाला जाता है उसके बाद फिर उसकी हवा फिर खोल दी जाती है फिर उसका उसमें आग वगैरह लगाई जाती है वो हीट होता है हीट होने के बाद फिर हम पंप मारते हैं जब वो तेल हिलता है उसका कचरा चला जाता है बर्नल के अंदर फिर हम उसमें पिन मारते हैं कभी उसके अंदर एक वाल छोटा सा लगा हो तो उसमें रबड़ की वॉशर होती है
वो लीक हो जाता है तो सारा केरोसिन जो है उसी पंप से जो है वापस आने लगता है। तो इस तरीके से खाने में मिट्टी के तेल की खुशबू वगैरह आ जाती है, तो बनने के बाद भी खाना नहीं खा सकता है। इनका ये स्टोव एक ऐसा परिवर्तित स्टोव है जिसमें ईंधन की टंकी में दाब यानी प्रेशर पैदा करने के लिए पंप की जरूरत नहीं है। स्टोव को इस्तेमाल करते समय स्वचालित ढंग से दाब पूर्व निर्धारित स्तर तक पैदा हो जाता है। हमारे स्टोव में जो है एक मर्तबा सिर्फ आपका तेल आ जाने पर कटोरी में आप तीली दिखा दीजिए, वो तेल जल जाए फिर आप रेगुलेटर खोल दीजिए, आपको फिर उसमें कोई भी किसी तरीके का ना तीली दिखाने की जरूरत है, ना आपको पिन मारने की जरूरत है, ना आपको कोई इस तरीके की दिक्कत आएगी कि स्टोव के अंदर पानी बन रहा है, बर्नल के अंदर कार्बन आ गया है, बर्तन भी आपका काला नहीं होगा। जहाँ तक बनावट का सवाल है, पहली बात तो ये है कि केरोसिन की टंकी बर्नर के ऊपर रखी गई है ताकि तेल आसानी से नीचे आकर जल सके। दूसरी बात है कि बर्नर के चारों तरफ तांबे का एक टेढ़ा किया हुआ पाइप है जो तेल की टंकी से जुड़ी हुई है। ये पाइप जो है केरोसिन हीटिंग के लिए, केरोसिन यहाँ से आने के बाद यहाँ हीट होता है, हीट होने के बाद यहाँ से टैंक में वापसी, जो टैंक के अंदर जो यू लगा हुआ है वो हीटिंग प्रेशर को जो है रोक के रखता है, यहाँ से बनता है जाके प्रेशर। टंकी के ऊपर एक प्रेशर गेज सेफ्टी वाल्व के साथ लगा हुआ है, अगर सेफ्टी वाल्व को ढीला करेंगे तो ग्रेविटी की वजह से केरोसिन अपने आप बर्नर में आ जाता है। जैसे ही आप स्टोव को जलाएंगे डिलीवरी ट्यूब के अंदर केरोसिन गर्म होने लगेगा और उसका जो भाप होता है वो भाप टंकी में भरने लगता है। टंकी में भाप के भरने से दबाव बढ़ने लगता है जिससे केरोसिन ऊपर चढ़ने लगता है। ये जो वाल्व है इससे तेल के बहाव को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इस सेफ्टी वाल्व से एक्सेस प्रेशर को भी कम किया जा सकता है। इस स्टोव को 75 PSI तक प्रेशर देकर देखा गया है, कुछ नहीं होता है, ठीक काम करता है, फटता नहीं है। केरोसिन होता है शुरू में तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो होता है बर्नर पे, और एक बार बर्नर को इग्नाइट कर दें तो एक जो एयर होती है उसको एक्सपेंड करके वो वापस से टैंक में फीडबैक किया जाता है, जिससे एक कांस्टेंट लूप बन जाता है और प्रेशर जनरेट हो जाता है टैंक में, और ऑटोमेटिकली फिर फ्यूल फ्लो होता है बर्नर में। ये उसकी विशेषता। उसका इवेल्युएशन हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में, उसकी टेस्टिंग हुई, उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव थी, हालांकि कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक उनको बताए, उन्होंने दूसरा इम्प्रूव प्रोटोटाइप बनाया, उसके बाद उसने एक पायलट लॉट बना के उसको सेल भी किया है। आजकल एक बात चल रही है, यहीं राजस्थान की एक मार्केटिंग कंपनी है, वो उन्होंने इंटरेस्ट लिया है इसको मार्केटिंग करने के लिए। और अब वक्त आ गया है फाइनल फैसले का। हमें ये देखना है कि इन तीनों सॉल्यूशंस में से सबसे बेस्ट किसका सॉल्यूशन था, कौन सा सबसे उमदा और सबसे कारगर था, और इन सब में से सबसे स्मार्ट और तेज टीम कौन सी थी। तो आइए चलते हैं जजेस के पास फाइनल फैसले के लिए। वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द जजेस। वी हैड डिस्कशन डिबेट ऑन हु शुड बी अ जज द बेस्ट। वी फाउंड इन फर्स्ट वन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनोवेटिव आइडियाज, वन इज द अस्त्रा कॉन्सेप्ट एंड द बायोगैस कॉन्सेप्ट। दे कंबाइंड टुगेदर, plus also they have taken care to reduce the soot formation. Similarly, second one also, they have used the existing kerosene stove, at the same time have reduced the soot formation, plus also they have utilized the heat that would have been dissipated effectively, which means to say 100% utilization of the fuel, and therefore we are in a fix. And all the judges are of the unanimous opinion that that both the teams would be adjudged. Both the teams are winners, and there will be not be any runners up. NCSTC ka best team ka award is episode mein jata hai NIT Surat ka and SVC Engineering College Bangalore. Thank you judges and thank you teams. एक real life challenge और चार अलग अलग solutions. अगर आपको लगता है कि आप एक अनोखा solution ढूंढ सकते हैं इस समस्या के लिए,
या फिर आपको ये लगता है कि आप इन चारों सॉल्यूशंस को मिलाकर एक नया सॉल्यूशन ढूंढ निकाल सकते हैं, तो 14 दिनों के अंदर अपने तकनीकी हल हमें जरूर लिख भेजें। इन पदों पर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, ईमेल info@nifindia.org। इंडिया इनोवेशन इनिशिएटिव i3, ईमेल bikram.lenka@cii.in। Intel, email shweta.khurana@intel.com। Technopreneur Promotion Program, TEP, email pkdatta@nic.in। देखते रहिए चैलेंज चटनी, अगले हफ्ते एक नए चैलेंज के साथ। चैलेंज होगा कि बिना बिजली के लकड़ी कटे तो कटे कैसे। हर समस्या का हल है। देखिए चैलेंज चटनी का अगला एपिसोड आज ही के दिन अगले हफ्ते इसी समय।